सत श्री अकाल जी। टेट स्टडी प्रैपरेशन दे विच आप सब दा स्वागत है। अज आप पढ़ांगे नाम बारे। नाम की हुंदा है? जेड़े शब्द किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी स्थान, किसी भी हालात, गुण जां भाव आदि दा बोध करवाण, उन्हां नूं नाम कहा जांदा है जी। जिवें देखदे आ, संगीता हो गया, सैना, जलंधर, पहाड़, खुशी, गमी आदि, इह सब नाम दे विच आंदे ने जी। किसी भी चीज़ नूं आपां देखदे हाँ तां उस नूं उस दे नाम नाल ही पकारदे हाँ। जिवें अगे नाम पंज प्रकार दे हुंदे ने। सब तो पहला खास नाम। खास नाम नूं निजवाचक नाम भी कहा जांदा है। आम नाम नूं जातिवाचक नाम भी कहा जांदा है। वस्तुवाचक नाम नूं पदार्थवाचक नाम भी कहा जांदा है। इकट्ठवाचक नाम नूं समूहवाचक नाम भी कहा जांदा है। ते भाववाचक नाम। अगे इन्हां दा विस्थार पूर्वक वर्णन करदे हां। सब तो पहला खास नाम जां निजवाचक नाम। जिहड़े शब्द तो किसे खास व्यक्ति दा, खास जीव दा, खास वस्तु दा, खास स्थान दा बोध जां ज्ञान हुंदा होवे, उस नूं खास नाम कहा जांदा है। जिवें राम, पटियाला, गंगा नदी, सतलुज, रावी, सूरज, चंद्र आदि सारे खास नाम दे विच आंदे ने। ते इस श्रेणी विच शामिल नाम किसे रुतबे करके खास नहीं हुंदे, बल्कि इस नाम विच शामिल हरेक नाम नूं ही खास मन्निया जांदा है। ते इस दे विच बहुत ही एक वधिया गल है, इस श्रेणी विचले नाम ने जिहड़े उन्हां दा बहुवचन नहीं बनदा। जिवें पटियाला, पटियाले नूं आपां कई पटियाले तां नहीं बना सकदे, पटियाला इक ही है, इस लई इन्हां दा बहुवचन नहीं बनदा। अगे है जी आम नाम। आम नाम दे विच की हुंदा है? आम नाम नूं जातिवाचक नाम भी कहा जांदा है। इन्हां दे विच उलझना नहीं जी, इन्हां दे दो दो नाम ने। इस करके जिहड़े शब्द किसे वस्तु, जीव जां स्थान दी पूरी जाति जां श्रेणी दा बोध कराण, किसी भी वस्तु होगी, कोई भी वस्तु होगी, मान लो ओदी पूरी जाति दा बोध करवांदे ने, उन्हां नूं आम नाम कहा जांदा है जां जातिवाचक नाम कहा जांदा है। जिवें पुस्तक, पुस्तक सारियां पुस्तकां हो गईआं, इन्हां दे विच एवें तां नहीं दस्सिया होया भी जिवें इंग्लिश दी है, साइंस दी है जां मैथ दी है, इह सारियां पुस्तकां वास्ते हो गया। जिवें मेज, कुर्सी, टेबल, मनुख, मनुख भी जिवें सारे मनुखां वास्ते हो गया, इन्हां दे विच कोई एक नाम भी नहीं लिखिया होया तां उह खास नाम दे विच चला जांदा। इह पूरी जाति दा बोध करवा रहे ने, तां इह सारे भैण, मुंडा, माँ बाप, इह सब कुछ आम नाम दे विच आ जांदा जी। ते इस श्रेणी दे शब्दां दा बहुवचन बनदा है। इत्थे नहीं लिखा गया जी, गलती दे नाल, सॉरी, मिसटेक हो गई। अगे है जी जिवें आपां बहुवचन बना के भी देख सकते हैं, पुस्तक पुस्तकां, कुर्सी कुर्सियां, मनुख मनुखां आदि, इन्हां दा बहुवचन बन जांदा है। ते अगे जी प्रकृति दे विच, जिहड़ी कुदरत दे विच जिहड़ियां भी वस्तुआं ने, मनुख उन्हां नूं किसे नवें रूप दे विच घड़दा रहिंदा, नवां रूप दिंदा रहिंदा, तां उह चीज़ां आम नाम जां जातिवाचक नाम दी श्रेणी दे विच आउंदियां ने। जिवें आपां लक्कड़ तों मेज़ कुर्सियां बना दिंदे हां, इह सारियां आम नाम दे विच आ जांदियां ने। अगे है जी वस्तुवाचक जां पदार्थवाचक नाम। जिहड़े शब्द तों तोलण, मीनण जां मापियां जाण वालियां वस्तुआं दा ज्ञान होवे, उस नूं वस्तुवाचक नाम कहिंदे ने जी। जिवें सोना हो गया, चांदी हो गया, तेल हो गया, कपड़ा, पग, दुध, शक्कर, गुड़। जिवें इन्हां दे विच इन्हां नूं तोल के देख सकदे हां, कपड़े नूं मिण के से देख सकदे हां, कोई भी चीज़ होगी माप के देख सकदे हां किसे नूं भी, तां उह सारे वस्तुवाचक जां पदार्थवाचक नाम दे विच आउंदियां ने, मतलब जिहड़ियां वस्तुआं हुंदियां ने। ते अगे जी इकट्ठवाचक नाम। इकट्ठवाचक नाम जां समूहवाचक नाम, जिहड़े शब्द व्यक्तियां जां जीवां जां गिणियां जाण वालियां वस्तुआं दे समूह दा ज्ञान करवाण, उहनां नूं इकट्ठवाचक नाम कहा जांदा जी। जिवें जमात होगी, जमात दे विच मान लो 30-35 बच्चे ने, तां उहनां नूं आपां गिण भी सकदे हां।
ਤੇ ਫਿਰ ਸਭਾ ਹੋਗੀ, ਟੀਮ ਹੋਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠ ਵਾਚਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ, ਇੱਜੜ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਵਾਚਕ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਵਾਚਕ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ। ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ, ਗਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੱਚਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਆਦਿ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਠੰਡ ਹੋ ਗਈ, ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।